चलिए भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई सभी लोग? आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और जबरदस्त चल रहा होगा। गुड मॉर्निंग भाई रिंकू, गुड मॉर्निंग अंकुश, गुड मॉर्निंग आशुतोष, गुड मॉर्निंग डेविल, गुड मॉर्निंग नीतू, निर्मल, हारून, अनिकेत, मनोज, बाबूलाल, लंकेश, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं भाई सभी लोग? सब बढ़िया चल रहा है, सब शानदार चल रहा है, सब जबरदस्त एकदम चल रहा है। तो आप सभी को हमने नंबर सिस्टम का जो पहला बेसिक वाला कंसेप्ट था वो हमने उतने सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे थे। अब एक आपको होमवर्क भी दिया था सैटरडे के दिन, जिसका हमने कहा था कि आपको मंडे को सॉल्यूशंस भी करा देंगे। और आज से जो नया चैप्टर शुरुआत हो रहा है, जिसकी पहली क्लास लग रही है, वो है आपके पास सिंप्लीफिकेशन का। आप में से मैक्सिमम बच्चे ये बात जानता होगा कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास सिर्फ नॉर्मल वाले क्वेश्चन की भाई ये कह दिया कि इतना इतना प्लस इतना माइनस इतना ये इतना वो, सिर्फ ये नहीं होता सिंप्लीफिकेशन का मतलब। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि वो हर एक चीज को सिंप्लीफाई करना जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो हम आज सिंप्लीफिकेशन को समझेंगे कि क्या है सिंप्लीफिकेशन, कैसे समझ पाएंगे इसको, और यहाँ से कितने प्रश्न बन पाते हैं, वो सब कुछ हम आज समझ रहे होंगे एक बार जोरदार। जितने बच्चों के पास कॉपी पेन पूरी तरीके से तैयार हो चुका होगा, तो सबके सब बच्चे एक बार जोरदार कमेंट बॉक्स में रेडी कमेंट कर दीजिए। फिर शुरुआत करेंगे आज का शानदार सेशन, जबरदस्त सेशन, और ये समझेंगे कि क्या क्या चीजें आपके पास हो रहा होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आज हम लोग देख रहे होंगे, और एनर्जी आपकी दिखनी चाहिए। तो तैयार हो चुके हैं राजेश्वरी, गौतम, अभिषेक, संदीप, राहुल, राकेश कुमार जी, रूसी, मनोज कुमार जी, बहुत सारे बच्चे तैयार हो गए। अब आते हैं आखिरी में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, इसका कुल मिला के 70 से ज्यादा बच्चों ने इसका आंसर किया था। और ये होमवर्क था 27 की पावर -2/3, इसका पूछा गया था इन सभी में से क्या होगा सही ऑप्शन। तो यहां पर मनोज कुमार ने लगभग सबसे पहले आंसर दे दिया है, सूरज 1/8 कह रहे हैं जो ऑप्शन में नहीं है। आइए जरा देख लेते हैं इसका सही आंसर हम कैसे निकालेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। अब ये लिखा हुआ -2/3 उसकी पावर लिखा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये डायरेक्टली 3 की पावर -2 होगा। इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो ये +2 में आ जाएगा। और 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, यानी ऑप्शन नंबर सी लगभग हर बच्चे का समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे इसको 1/9 कर पा रहे होंगे, कैसे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट ज्यादा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है बॉडमॉस रूल पर क्वेश्चन पूछा जाने वाला। एक्चुअली में बॉडमॉस नहीं है, ये वी बॉडमॉस होता है। वी का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलम, कि भाई इसका जो बार लगा होता है उसी को वर्नाकुलम बोलते हैं गणित की भाषा में। तो सबसे पहले कहीं भी किसी भी संख्या पे बार लगा होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर कहीं पे ब्रैकेट लगा होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, कहीं पर ऑफ लगा होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। याद रखना, डिवाइड और ऑफ में हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई और ऑफ में हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सॉरी, सबसे पहले हम ऑफ करते हैं, फिर हो गया मल्टीप्लाई, फिर होगा एडिशन, और फिर आखिरी में घटाएंगे, यानी जोड़ घटाना वाला हम लोग आखिरी में करेंगे। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा कि का को पहले काट दो, फिर पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दो घटा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आते इसके सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं जो मोस्ट कह सकते हैं ज्यादा पूछा भी गया, और इसको करने का तरीका भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी का, जो अभी पीछे वाला पेपर खत्म हुआ, यानी कि 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसी का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान से करिएगा क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे बहुत गलती करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो देखो भाई, क्या सभी का ये आंसर आ गया? अगर आ गया तब तो ठीक है, और नहीं आया तो भी ठीक है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे होंगे और हम इस क्वेश्चन को कैसे समझ पा रहे होंगे। आ रहा है आंसर बी, हो भी सकता भाई, बी हो भी सकता और बी नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें आपके पास हो सकती हैं। चलो कुछ बच्चों के आने शुरू हो गए, एक बार मैं देखता हूं कि आंसर आ क्या रहा, फिर अपने आप मिलाएगा और हम कमेंट बॉक्स में फिर नजर डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूंगा और मैं नीचे सोल्यूशन करने का तरीका बताऊंगा आपको। देखो भाई, क्या ये डायरेक्टली 5 लिखा? सर बिल्कुल लिखा है। क्या ये 5/10 लिख सकता हूं मैं? बोलो भाई, अगर 1 पॉइंट लिखा है तो 5/10 कर सकता हूं, ठीक है। या आप वो भी सब छोड़ दो, आप एक काम ये भी करो, छोड़ दो इसको भी। यहां 2 जीरो है, जब ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो पॉइंट वाला मामला यहाँ खत्म हो गया। 55, 25, 125, 25, 31, 3125, यही सभी का आएगा कि 625 आएगा। 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 1, 2, 3, 4, 5, 3125। अब पॉइंट कहां पर आना चाहिए? 1 यहां पर, 3 यहां पर, तीन और एक चार, चार नंबर पहले कहां पर पॉइंट है, तो 1 2 3 4 यानी यहां पर पॉइंट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या यही सभी का आ रहा है? क्या ये प्रश्न कठिन है? नहीं। और मुझे लग रहा है मनोज कुमार एक बार कमेंट में नजर डाल रहे हैं तो मनोज, खुशबू, नीतू, हारून सभी का जो पहला क्वेश्चन आज का था वो समझ में आ चुका। तो हमें कुछ नहीं करना। यहां पर देखो 500 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.05 में तो ये 2 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो पेपर में होगा क्या, चाहे हम एनटीपीसी की बात करेंगे चाहे हम किसी भी परीक्षा की बात करेंगे तो हमें दशमलव वाले जोड़ने घटाने वाले बड़े प्रश्न दे देते हैं, और वो जोड़ने घटाने वाले प्रश्न हम कैसे कर पाएंगे ये चीजें हमें देख के चलनी पड़ेंगी कि हम इस तरह के प्रश्नों को कैसे देख पाएंगे, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, आओ जरा देखो। अब जोड़ने घटाने में आपको बेसिकली इस चीज का वो रखना है ध्यान कि आपको हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है। जैसे अगले में 0.25 है, 620 है इधर, फिर अगले में 0.025 है, इसके पहले वाला 62 लिखा है, फिर अगले में 0.2025 है, इसके पहले मात्र 6 लिखा है, फिर अगले वाले में पूरा ही संख्या 62025 लिखा हुआ है। इस तरीके से प्रश्न आपके पास दिया हुआ है। अब आप इधर का पहले सॉल्व कर लो, इधर का अपने आप हो जाएगा। भाई देखो ये आपके पास 6000 से बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, 6800 के आसपास ही आ रहा है, आप खुद ही देख लो एक बार। लेकिन 6891 ये भी है, 6891 ये भी है, यानी मुझे आखिरी वाला मामला सॉल्व करना पड़ेगा। आखिरी वाला करो तो सिर्फ आपके पास 5 आया, 527 आया, 527 आया, 52729 आया, 9775 ऑप्शन नंबर डी। 58 तो आएगा नहीं, बी तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यही बात 6000 से ऊपर है तो 6000 से कम तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सबको ये क्वेश्चन दूसरा वाला समझ में आ चुका है? यानी आप सभी बच्चे क्या इस प्रश्न को कर पा रहे हैं कि हाँ सर ये प्रश्न आसान है और हम इजी तरीके से समझ पाए? सब में हो रही है भैया, सब में हो रही है। चलें अगले क्वेश्चन पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर एक लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिएगा। देखो मैं आपको इतना तो विश्वास दिला देता हूं कि अगर आप इस सेशन को डेली सुबह 9 बजे करेंगे ना तो आप इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जो सबसे जरूरी चीज है कि हमारी गणित में जो प्रैक्टिस छूट गई थी हम उसको फिर से रिवाइव कर रहे होंगे, हम फिर से उसी प्रैक्टिस में जिंदा हो रहे होंगे और एक बार शानदार तोड़ने मरोड़ने के लिए तैयार हो रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है और हम कैसे कर पाएंगे। ये देखा जाए तो अलजेब्रा के सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अलजेब्रा का जैसा सिंप्लीफिकेशन होता है हूबहू वही वाला क्वेश्चन है, और बच्चा इसमें गलती भी बहुत ज्यादा करेगा। ठीक है, और बहुत बढ़िया। चलो आ रहा है भाई, अब समझो क्या यहां पर a की वैल्यू -20 है? हाँ या ना? सबको ये बात कंफर्म पता है। क्या यहां पर बी की वैल्यू 13 है? ठीक है, और क्या मैं यहां पर सी की वैल्यू 7 लिखा हुआ है? तो ए और बी और सी मेरे पास दिखा है, अगर मैं a+b+c बराबर लिखूं तो क्या ये 0 हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि 13 7 20 और ये -20 है। तो अगर कभी भी ये कंडीशन होती है तो अगर आपसे a³ + b³ + c³ पूछेगा ना तो वो बराबर होता है 3abc, यानी 3a की वैल्यू -20, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू 7। तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, प्लस तो आएगा नहीं। अब उसके बाद 13 7 91 और 3 दूनी 6, -60 × 91, 6 × 6, 9 × 54, 10 बढ़ाया 5460 ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई सूरज, तनु, सोनाली, समझ में आ रहा है कि यार मुझे C कैसे मिल के आया? लेकिन ये कंडीशन काम कब करेगी? जब a³ + b³ + c³ पूछा जाए और a + b + c बराबर 0 हो जाए। मतलब मैंने आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा -4 का क्यूब + 2 का क्यूब + 2 का क्यूब बराबर कितना आएगा? अब आप क्या बताओगे? सभी एकदम दिमाग लगाइए और थोड़ा ध्यान से बताइए कि यार इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना आ रहा होगा। फिर हम आएंगे आज का अपना पहला शतक के बारे में, लेकिन इसका आंसर सबसे तेज और सबसे जोश के साथ आनी चाहिए, एकदम एनर्जी भर जाना चाहिए और लगे कि हाँ भाई एकदम बच्चा है पूरा। चलो अगर मैं इसमें देखूंगा तो क्या ये a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, क्योंकि दो और दो चार जोड़ोगे, चार घटाओगे जीरो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3, ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू 2 और 2। तो 4 × 12 × 24 × 48, क्या सभी का आंसर -48 ही आ रहा है? -48 सूरज, किट्टू, सर्वेश, डेविल सबका आ रहा है। अच्छा वैसे करना चाहो तो कर लो, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 64, ये -64 होगा, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, +8 होगा, फिर +8 होगा। 64 में से 8 और 8 यानी 16 घटा लो, देखो 48 आ जाएगा। और अब इसी के साथ हम आ चुके हैं आज के अपने पहले शतक पे, यानी कि 99 लाइक पे। अब आज का 100वां लाइक किसके नाम पे जाना है भाई, ये बात देखनी है। तो जिन बच्चों ने अभी तक का पहला शतक आज की क्लास का नहीं लगाया, 1 सेकंड का मौन रख के तुरंत आइए और तुरंत यहाँ पर लाइक करके अगले वाले क्वेश्चन पे ध्यान लगाते हैं। और भाई अगले वाले क्वेश्चन पे तो बढ़िया शतक लगा रखा है डेविल जी ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्या कहता है। चले, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया, और ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्लस नए कंसेप्ट। देखो एक बात मैंने हमेशा कहा कि जब भी आप अगर मेरी क्लास में आए हो, चाहे एमडी क्लासेस से किसी भी अध्यापक की क्लास में आए हो, इस बात को जरूर ध्यान रखना कि क्लास के लिए आपके पास कुछ ना कुछ नया कंटेंट जरूर जानने को मिलेगा, और वही चीज आपको आज की क्लास में देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया भाई मनोज ने एकदम दिल जीत लिया इस क्वेश्चन का आंसर बता के। और सभी बच्चे बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। और ये बात भी मैं जानता हूं कि बहुत सारा बच्चा इसका आंसर नहीं जान रहा है, लेकिन उसने फिर भी आंसर कमेंट कर दिया कि सर यही होने वाला है। चलो अब जिसको नहीं आया प्यार से नो बोल देना, कोई घबराहट की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, सीखने ही तो आए हैं। अगर सीखेंगे नहीं कुछ तो फिर फायदा क्या है इतनी बड़ी सुबह 9 बजे उठ के क्लास करना, सुबह सुबह एकदम भोर में, है कि नहीं। अब देखो बहुत सारे बच्चों को, जैसा सोनाली का नहीं आया, भावना का नहीं आया, सर्वेश का नहीं आया, बच्चों ने नो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे भाई। अब जरा मेरी बात को ध्यान से बताना, मैंने कहा इसमें देखो क्या है, जोड़ना है खाली, ना स्क्वायर है ना क्यूब है। एकदम आराम से बात कही कि 1 2 3 2 1, इसको जरा जोड़ो और आंसर बताओ। सभी का कमेंट आना चाहिए खूब तेज से, एकदम हिल जाना चाहिए सब कुछ। बताओ भाई 1 2 3 2 1, इसका आंसर क्या आएगा? आप कहोगे सर जी 3 2 5 1 6 2 8 1 9, यानी आंसर 9 आएगा। सबका 9 आ रहा है, देखो सबका कमेंट भी आ रहा है। अब जो शांति से बैठा हुआ है वो कमेंट नहीं करेगा, उसे अरे क्या कमेंट करा जाए, है ना, हम तो गधा ही। चले अगले क्वेश्चन पे। अब मैंने थोड़ा सा और एक संख्या बढ़ा दिया, 1 2 3 4 3 2 1। अब बताओ भैया इसका कितना आंसर आएगा? ऊपर वाला क्या था 1 2 3 2 1, यहां पर 4 तक गया, फिर वहां से रिपीट हो गया। अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो जोड़ो, 4 3 7 2 9 1 10 3 13 2 15 1 16। इसका मतलब कुछ दिमाग में काम आया क्या, कि जहां से संख्या रिपीट होती है सम उसी का स्क्वायर है। दिमाग में काम आया कि नहीं आया? और जल्दी से ये नया कंसेप्ट आज जिन बच्चों ने सीखा है अपने कॉपी में नोट करना, और एकदम खुश हो जाना कि भाई आज का दिन भी सफल रहा। अब जैसे ही जो संख्या लिखी उसी का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहां जरा देखो संख्या कहां से रिपीट हो रही है, 31 तक जा रही है, उसके बाद फिर उसी का स्क्वायर रिपीट, वही संख्या रिपीट हो जा रही है, यानी आंसर क्या आएगा? 31 का स्क्वायर, आंसर नंबर सी। बोलो भैया क्लियर हो चुका है? तो अगर जहां से कोई संख्या 1 से स्टार्ट होगी ही होगी, और जहां खत्म होगी फिर वहीं से रिपीट हो जाएगी, तो आपको आगे क्वेश्चन कर लेना है और दिल खुश होके अगले क्वेश्चन पे चलना है। नोट हो गया हो तो भाई अगले पे चले, ठीक है लाला, जबरदस्त। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आया जाए, आओ। ये 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे, आप में से खुद ही कई सारे बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने कंसेप्ट पे मजबूती नहीं है, हम रटने वाले कैटेगरी में आ चुके हैं कि भाई रट रट के हम आंसर बता रहे हैं कि नहीं इसका ये होगा, उसका वो होगा, इसका ये होगा। फॉर्म कब आएगा, किस चीज का? एनटीपीसी का फॉर्म आ जाएगा, बहुत जल्द आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अभी डीआरडी आपके पास जो फॉर्म आया बार्क में आया हुआ, यानी भाभा में आया हुआ, कल ही आपने देखा इसरो में भी फॉर्म आ गया, तो टेक्निकल के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब धीरे धीरे आप देखोगे एलपी में भी फॉर्म आ जाएगा, आरपीएफ के भी फॉर्म आ जाएंगे, बहुत सारे फॉर्म आ जाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं हुई है। ठीक, चलो कितना आ रहा भाई आंसर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चल रहा मिथिलेश, दिन में 1 बजे बच्चा, ठीक है बताओ। और सी मतलब कि 30,000 कहना चाह रहे हो भी सकता भाई और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशंस बहुत तगड़ी है। थोड़ा सा सॉल्व करा है तो सर सी आ रहा है। अच्छा एक चीज देखो, क्या मैं दोनों ही जगहों से 5 की पावर 4 कॉमन ले सकता हूं? अंदर क्या बचा? 64 माइनस 16। हाँ या ना? अब मैं यहां पर 16 माइनस 16 चौके 16 48 यानी रिमेनिंग कितना आ गया इसमें 48 और 5 की पावर 4 मतलब 55 25 25 125 25 625 यानी यहां पर 625 होगा। अब थोड़ा सा मैं चाहूं तो 625 को और सिंप्लीफाई कर लूं 25 गुणे 25 में। कोई दिक्कत है भैया इसमें? नहीं दिक्कत है। अब कर लो भाई, आराम हो गया। 25 8 200 कैरी में 20 आ गया, 25 चौका 100 और 20 यानी 120 हो गया। अब फिर यहां पर 25 का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 30,000 आ जाएगा क्योंकि 25 शून्यम 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 25 दूना 50 कैरी 5 25 से 25 और 5 30। क्या सबका आंसर 30,000 ही आया या नहीं आया? जोरदार वाला बताइए। 30,000 30,000 और 30,000 लगभग सबका आ रहा। अब अगला वो क्वेश्चन मेरे भाई आने वाला है जो आपका सिंप्लीफिकेशन होता है, मतलब जो हम कहते हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन है, वो वाला क्वेश्चन आ रहा होगा 8वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ये 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है तो एकदम इसको हल्के में मत लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि आप कर ले जाइए और बिना किसी दिक्कत के आंसर बता दीजिए। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, बाबा बॉड मास ये अगर आपके पास है तो ये प्रश्न तुरंत निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना कुलम है नहीं, क्या मतलब किसी के ऊपर बार लगा है सर नहीं लगा है, तो मेरे पास सबसे पहला काम है ब्रैकेट, यानी कि मुझे सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी तो 3 तरह के होते हैं कि भाई ब्रैकेट सॉल्व करो, ये ब्रैकेट सॉल्व करो, वो ब्रैकेट सॉल्व करो। तो सबसे पहले आपका काम हो गया ब्रैकेट करो। बताओ भाई, देखते हैं आप में से सबसे पहले किसका आंसर आता है। वेरी गुड भाई, लंकेश ने सबसे पहले 24 बताया। सही है कि गलत है ये तो भाई लंकेश ही जाने। बहुत सारे बच्चे 24 बताने लगे, ऐसा तो नहीं लंकेश का सबने नकल मार दिया कि नहीं 24 ही आएगा गुरुजी, 24 ही आएगा। जय हिंद भैया, जय हिंद। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, सब शानदार, सब जबरदस्त। अब देखो ज्यादा लोड मत लो, जब भी सिंप्लीफिकेशन का अगर आपने लोड ले लिया तो 1 प्लस का माइनस गलत हो जाएगा और आपके नंबर तुरंत चले जाएंगे। ठीक है, चलो आओ समझो। सबसे पहले बाबा साहब जी कहते हैं ब्रैकेट तोड़ो, लेकिन ब्रैकेट तोड़ने के भी तरीके हैं कि उसमें ऑफ लिखा है तो पहले ये करो, डिवाइड लिखा है तो पहले वो करो। पूरे क्वेश्चन में ऑफ यानी कि का कहीं नहीं लगा, लेकिन डिवाइड यहां लगा है तो 6 के 36 पहले ये करो। 8 6 48, 1 में से 48 घटाओगे तो -47 बचेगा, बाहर आएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे यानी 45 और 47 हो गया, तो 7 5 12 और 4 4 1 9 ये 92 हो गया। फिर आप 37 में से 92 यहां पर घटा रहे होगे, 37 में से आपको 92 घटाना है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो कितना आ जाएगा अगर मैं 37 में से 92 घटा रहा हूँ? और अब देखो ये सिंपल भी हो गया, मैं चाहूं तो आप ब्रैकेट तोड़ दो प्लस 37 माइनस 92 कर लो अपने सिंप्लीफाई के लिए। 9 7 16 7 3 10 11 माइनस 92, बोलो 24 ही सबका आंसर आया कि नहीं आया? समझ पाए? एकदम क्लियर है। तो सिंप्लीफिकेशन पे आपको लोड नहीं लेना, अगर आपने जहां लोड लेना शुरू किया सिंप्लीफिकेशन पे, बस ये समझ लेना कि प्रश्न वहीं से आपका गलत होगा और आप रोक नहीं पाओगे, फिर उस प्रश्न को आप समझ ही नहीं पाओगे प्रश्न गलत कहां से हुआ। और इसी के साथ एक और खुशखबरी क्या है कि हम बहुत ही जल्द आज 199वां लाइक पर भी आ गए हैं, यानी कि आज का 2वां शतक का भी समय आ चुका। आप लोग सोचते होंगे अरे यार सर जी पढ़ाओ यार, कहाँ इतना ज्यादा लाइक के पीछे पड़े हो, तो वही तो एनर्जी है। और जिसको ये लग रहा है कि भाई लाइक के बहुत ज्यादा पीछे, तो आप एक आध दो और भी कर देना। तो अब 200वां लाइक देखना कि ये किसके नाम पे जाना, क्योंकि जब जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा एंजॉय आएगा, उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा और उसी ही तरीके से चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, चलो भैया। तो फाइनली राजेश्वरी जी के नाम पे जा रहा है और अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। अब यहां पर एक चीज बढ़ गया है, अब वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना, नहीं तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। क्या चीज है भाई? ये बार वाला मामला, यानी आपको वी बॉड मास तो लगाना है और यहीं पर सही से लगाना है। सबसे पहले वर्नाकुलम मतलब कि ये बॉड मास सॉल्व होगा, देन उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करो, ऑफ कहीं नहीं है तो अपना करते चले जाओ और मुझे आंसर जल्दी से बता दो कितना आ रहा होगा। और किसी का जो शानदार वाला आंसर आ रहा हो बढ़िया से। 7, इतना तेज आंसर, अरे वाह। 8 कह रहा है कोई। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, और जब भी वर्नाकुलम अगर किसी के ऊपर लगा होगा ना, उसके पहले कौन सा साइन है उसके बाद कौन सा साइन, इससे कोई मतलब नहीं है। सीधे 7, 5, 12, ये पूरा 12 हो गया। 9, 6, 15 में से 12 घटा दो, 3 आ गया। ठीक है, इस पूरे का मान कितना हो गया, सिर्फ 3 हो गया। 15, 12, 27, 27 में से 3 घटाओगे 24 हो गया। इस पूरे का मान कितना हो गया, 24। बाहर कितना लिखा, 1/3, और ये 56 से मुझे इसको डिवाइड करना है, तो 3 8 24, और 56 से मुझे फिर 8 डिवाइड करना होगा। और मुझे लग रहा सबका आंसर 7 ही आया है। एक बार कमेंट बॉक्स पे जोरदार वाला नजर डालते हैं, 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमें लगता है असली में जो बॉडवास है, असली में जो सिंप्लीफिकेशन है वो यही है। लगभग सभी का आंसर 7 आ रहा, नहीं ऐसा नहीं कि यही असली सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन बहुतों तरीके से होते हैं और इसी तरीके से करे जाते हैं। एक और वर्नाकुलम का क्वेश्चन दे आप लोग को, करेंगे सभी लोग। आसान है ना, कुछ करना है ज्यादा नहीं करना। आपको समझना है कि आप कैसे प्रश्न को लेकर जा पा रहे होंगे और कैसे कर पा रहे होंगे। आइए जरा इस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखो भैया, सेम टू सेम वर्नाकुलम का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये 2018 का पूछा गया है और अब चल रहा है 2023। सोचो उस समय भी कितना अपडेटेड था। अब तो खोजने पे मिलते हैं और आते हर परीक्षा में है, लेकिन याद रहते नहीं किसी को। जब परीक्षाओं के आंसर की जारी करी जाती तब पता चलता, अरे यार वर्नाकुलम का क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो हमें करना चाहिए था और हम नहीं करके आते। 37 भी आ रहा बहुत सारे बच्चों का, यानी कि डी आ रहा है। बहुत बढ़िया रिंकू, बहुत शानदार बच्चा। तो सबसे पहले वर्नाकुलम भाई, 16 में से 8 घटा लो, 8 हो जाएगा। इसके पहले क्या साइन है कोई मतलब नहीं है, इसके बाद क्या साइन है अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे पहले वर्नाकुलम सॉल्व होगा, बस आपको यही मतलब रखना। अब ये पहले कर लो, 12 पंचे 60, इंटू लगा हुआ है। 2 से करा तो 2 4 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 4/3 लिखा है, तो 3 चौका 12, 4 चौका 16। 38 में से 16 घटा लो, आंसर आ गया 22। देखो समझ पाए कि नहीं समझ पाए तभी आंसर बताना, ऐसे हवा में मत बोल देना कि नहीं सर जी 22 ही आ रहा और 22 ही बिल्कुल सही है। समझ पाए हो ना सभी लोग कि हाँ यार सर जी 22 ही आ रहा, और 22 कैसे आ पा रहा है, कैसे समझ पा रहे, ये बात क्लियर है। बहुत आता है, CHSL की बात करो चाहे सीजल की बात करो, आज ये बहुत आपके पास पूछा था। अच्छा एक बार कमेंट करके बता दो कि आप में से सभी बच्चों का टारगेट अभी कौन सा एग्जाम है, जिसके फॉर्म आए वो वाले। ALP RPF ये सब मत बोलना क्योंकि इसके फॉर्म अभी नहीं आए हुए हैं, या जिसके फॉर्म आने। मैं आपको देता हूं एग्जांपल, यहां से बताना। जैसे CHSL का फॉर्म, ये बात तो 100% तय है कि 9 तारीख को आ रहा है, और आज आपका कौन सा हो गया, 8 तारीख हो गया होगा। तो CHSL की तैयारी कर रहे हो तो CHSL बोल देना। दूसरा, बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस भी कंफर्म है कि 1 सितंबर को फॉर्म आ रहा है, बिहार पुलिस का भी बहुत जल्द आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। MTS किसी बच्चे का अगर अभी पेपर बचा होगा तो एक तो MTS हो गया, नहीं बचा होगा तो दोबारा MTS जो है वो 14 जून को फॉर्म आ रहा है, तो MTS आपके पास एक टारगेट हो सकता है। दूसरा, कुछ बच्चे CRPF ट्रेड्समैन वाले बच्चे होंगे, या AOC वाले बच्चे होंगे, या BSF वाले बच्चे होंगे, तो हैं कुछ ऐसे बच्चे भाई यहाँ पे। अब मैं कमेंट पर नजर डालूंगा। सीजीएल, हाँ फिर अगला सीजीएल की तैयारी हो ही रही है भाई, 14 जुलाई को आपकी परीक्षा है। सीजीएल वाले ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं, सीजीएल और MTS, अरे वाह ये अच्छा लग रहा कि आप में से बहुत सारे बच्चे सीजीएल MTS वाले भी यहां पर आ गए। हमने कहा कि जिनका जिनका फॉर्म आया है वो वाले चाहिए। देखो भाई, अगर आप सीजीएल और CHSL की तैयारी कर रहे हो तो MD क्लासेस पर संयुक्त क्लासेस चल रही है, मतलब मिक्स क्लास आज से शुरू हो रही है, जिसमें 12 बजे GK GS होगा। 2022 के जितने भी पेपर हैं हम सब करा डाल रहे होंगे, चैप्टर वाइज वो भी, ठीक है। 12 बजे GK GS होगा, फिर शाम को 7 बजे आओगे, 7 बजे आपका रीजनिंग, 8 बजे इंग्लिश, और रात में 10 बजे आपका मैं मैथ्स लेकर आ रहा हूँ। तो आज रात 10 बजे सभी बच्चा जरूर लाइव आइएगा। मेरी क्लास है भाई साहब, आज आना लाइव, है ना, बेइज्जती ना कराई दियो, जिसमें हम परसेंटेज जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए होंगे SSC के वो कराने वाले। बिहार और दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेटेड रात में 9 बजे हम लोग की क्लास आ रही है, और MTS को डेडिकेटेड शाम को 4 बजे क्लास हो रही होगी। CRPF को डेडिकेटेड 3, 5 और 6 बजे क्लास हो रही होगी। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना रहेगा। तो ये क्लासेस का शेड्यूल है, अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। आज मैं कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन सीजल 2022 के परसेंटेज के पूछे गए थे, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लिया ना तो सिलेक्शन का एक जो आपने पहला कदम है वो वहीं से आपने रख दिया। चले आओ भाई अगला क्वेश्चन आ जाओ और देखो कि क्या कहता है ये। √2 + √3 √2 - √3 की वैल्यू कितनी होगी। अब ये भी क्वेश्चन सोचो बच्चे गलत करके -1 बता देंगे, और आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो -1 बताएंगे। अब ये क्वेश्चन लेटेस्ट का पूछा गया 2021 का, तो कुछ ना कुछ तो खास होगा, और बहुत सारे बच्चे देखो गलत -1 बता भी रहे हैं, है ना। चलो और आ रहा है -1, क्लियर हो पा रहा है, -1 ही आ रहा है ना, देख लो भाई। और फिर ना कहना कह रहे सर जी नहीं -1 नहीं था, +1 आ गया था। ठीक है चलो फिर आओ समझते हैं। क्या ये A + B A - B लिखा हुआ, और अगर A + B A - B लिखा हुआ है इसका मतलब SR ये हो गया कि A² - B² करोगे, और भाई पहले जो लिखा आप उसी को पहले लिखोगे, ऐसा नहीं कि उसको बाद में कर दोगे। तो ये 2 - 3 यानी -1। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। A बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट पे आइए। RRB JEE में ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था, आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो एक बार ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन और शानदार सा है। सर मैं MD क्लासेस का स्टूडेंट हूं, SR कह रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत शानदार है, जबरदस्त है, और मजा भी आ रहा होगा आपको, सारी बातें भी समझ में आ रही होंगी। आंसर कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया यार। सूरज भी अब अपडेटेड हो गए धीरे धीरे, है ना। अनन्या का भी आंसर आ रहा है B, ठीक है। हारून का भी B आ रहा है, चलो सबका ही B आ रहा है। अब देखा जाए कि इसको करेंगे कैसे। और जरा सा, क्या 82 हर जगह लिखा तो मैं इसको A मान लूं, कोई दिक्कत है नहीं। क्या 28 हर जगह लिखा तो मैं इसको B मान लूं, बिल्कुल मान लूं। अब अगर मैं देखूंगा तो क्या ये A + B का होल स्क्वायर बनना और ये A - B का होल स्क्वायर बनना। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB। क्योंकि आगे तुरंत माइनस लगा हुआ है तो A - B के होल स्क्वायर का हर माइनस प्लस चेंज हो जाएगा, तो यह आएगा A² + B² - 2AB होगा। अब बाहर माइनस लगा है तो इसीलिए +2AB हो जाएगा, डिवाइड बाई सिर्फ AB लिखा हुआ, ये दोनों कट जाएगा। 2AB कितना होगा 4AB, और नीचे सिर्फ AB लिखा हुआ, तो आपको एक्चुअली में अंकों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर 4 आएगा। लेकिन जो बच्चा यहां पर लग जाएगा सॉल्व करने में तो वो पूरा सॉल्व करते लग जाएगा और उसका आंसर गलत आ जाएगा। समझ पाए, तो आंसर कितना आएगा 2AB, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका 4 आंसर आ जाएगा और सभी लोग आराम से कर ले जाओगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। RPF में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से करिएगा और जल्दी से करिएगा कि इसका सही आंसर क्या आ रहा होगा। हाँ कह सकते हैं कि डायरेक्टली भी देखो, बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पता होता है कि सर 4AB हो, लेकिन ये भी है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं भी तो पता होता, तो हमें तो दोनों को लेके चलना भाई साहब, कि जिनको पता उनका भी बढ़िया, जिनको नहीं पता उनका भी बढ़िया। 73 + 42 - 2 73 × 42 की वैल्यू कितनी आ रही होगी, ये बात आपसे पूछा गया। देखो भाई क्या ये A² लिखा है + B² लिखा है -2AB लिखा हुआ। अब बताओ A² + B² - 2AB फॉर्मूला क्या होता है, A - B का होल स्क्वायर। अभी देखो कुछ ही देर पहले हमने ये चीज किया था, इसका मतलब परीक्षा में 31 का स्क्वायर मायने रखता है, और 31 के स्क्वायर के क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षा में काफी ज्यादा पूछे जाएंगे, तो आपको 31 का स्क्वायर को ध्यान रखना होगा। अब हम लोग के दिमाग में जैसे होता है ना कि सिंपलीफिकेशन है, तो नॉर्मल बड़ी से कोई संख्या दी रही होगी उसके बाद उसका सिंपलीफिकेशन मुझे करना होगा, ऐसा नहीं होता। सिंपलीफिकेशन में बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये देखो, ये भी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये 2021 में पूछा गया है और आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा भी सीरियस होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मजा आ जाएगा आपको, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में एक्चुअली में। और आपने ऊपर का देख लिया, बस नाम खत्म हो गया। ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा शिशुपाल, हाँ भाई शिशुपाल तो नाम याद है, ठीक है। सिर्फ एक डाटा देखो और आंसर को खत्म कर लो। अब जैसे उसने कहा कि अगर x बाई वाई बराबर 6/5 है तो जहां पर x मिल रहा होगा वहां पे 6 कर लो, y मिल रहा है वहां पे 5 कर लो, तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। अब आपको पता है 61 एक ऐसी प्राइम संख्या जो किसी से नहीं कटेगी, तो ऊपर तो हमेशा 61 ही आना, चाहे हम दुनिया की कोई ताकत क्यों ना लगा ले, हमेशा तो ऊपर क्या आना, 61 ही आना। ये तो हम बहुत ईजी से कर पा रहे होंगे और बहुत आराम से भी कर पा रहे होंगे। समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरे समझ उमझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, किस तरफ बोल दे रहा है कि हाँ सर जी ठीक है। अगर आ रहा है तो कम से कम लाइक का बटन दिया उसका उपयोग करा करिए, लगे कि आप लोग जो है एनर्जी के साथ लगे हैं। इतने सारे बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सोचते हैं यार कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सर जी ज्यादा उत्साह में चले आए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एनटीपीसी का नहीं जेई का ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही कहेंगे और बहुत पूछा जाता है। हाँ हाँ आ रहा है ठीक है। 5x डिवाइड बाई इतना 1+1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? गड़बड़ क्या है, जैसे समझो कुछ ही का आंसर भी आने लगा होगा। गड़बड़ ये है कि ये ऐसे लिखा होना चाहिए था 1+1/x -1/x। मे बी हो सकता है कि ऐसे लिखा होना चाहिए था, या ये ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय 1+x/(x1)। ऐसा कुछ करके होगा, ठीक है। कुछ तो कुछ इस प्रश्न में कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ तो इस प्रश्न में गलत है। अब वो क्या गलत है वही चीज नहीं पता है, क्योंकि ऐसे आंसर फिर आएगा नहीं। अब इसमें आंसर ही क्या निकालना भाई, ये तो डायरेक्टली 2 हो जाएगा। अब ये ऊपर लेकर आओगे, कुछ ना कुछ तो गलत है, रॉन्ग है कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में। अब वो क्या रॉन्ग है वो देखना पड़ेगा कि गलती क्या है। हाँ बच्चों के आंसर भी आने लग जाते, इतने खतरनाक प्राणी हैं, सब आंसर बता देते हैं कि नहीं सर जी ऐसे होगा वैसे होगा ये होगा वो होगा। ठीक है आंसर गलत है, अगले पे आ जाओ। चलो 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी प्लस 6p डिवाइड बाई p प्लस 6। देखो अगर मान लो कि आप ऐसे सड़क पे ऐसे नॉर्मली जा रहे होंगे तो आपसे कोई डरेगा? सोचो, आपको कोई देखेगा भी, हो सकता देखे कि ना देखे, कोई भरोसा नहीं है। अगर आप ऐसे सड़क पे नॉर्मली जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने साथ 4-5 बॉडीगार्ड रख लिए हैं और उनके साथ आप सड़क पे जा रहे हैं, तो भले हम देखने लायक ना हो ना हो, लेकिन लोग हमें फिर भी देखेंगे, लोग फिर भी डरेंगे, सोचेंगे हो सकता भाई ये कोई बड़ा नेता हो, या हो सकता कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, या हो सकता मुकेश अंबानी का पोता हो, ये ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वही हाल यहाँ भी हो रहा है। ये नॉर्मल लिखा होता तो कोई नहीं डरता इस क्वेश्चन से, लेकिन एक ब्रैकेट ये लगा लिया, फिर ऊपर से दूसरा ब्रैकेट ये लगा दिया, फिर उधर भी एक ब्रैकेट से उधर बंद कर दिया, फिर दूसरे ब्रैकेट से उधर बंद कर दिया, तो हमें थोड़ा सा डर लगा यार ये कैसे क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। लेकिन है कुछ नहीं इसका। देखो बच्चों के आंसर 1/p तुरंत आ रहा है। सूरज का, पवन का, डेविल का, खुशबू का, गोविंद राज जी का, सबका 1/p आ रहा। आसान है ये क्वेश्चन। तो उसने ब्रैकेट हमें अलग से दे दिया, बॉडीगार्ड अलग से दे दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इस वाले बॉडीगार्ड का कोई मतलब नहीं है। 1 डिवाइड बाई मैं लिख लू, कोई दिक्कत किसी को नहीं। नीचे क्या लिखा है, पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी प्लस 6p डिवाइड बाई p प्लस 6। अब आप सोचो क्या ये डायरेक्टली नहीं जुड़ पाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 6p डिवाइड बाई p प्लस 6 हो जाएगा। अब ऊपर से p कॉमन लोगे, आप आएगा p प्लस 6 और डिवाइड बाई p प्लस 6। अब आपका बचा क्या, 1/p बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा। तो बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताओ सबने बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बात सिर्फ इतनी थी कि अगर आपके साथ बॉडीगार्ड चलेगा तो आप पे हमला कम होगा और आपको सॉल्व करने वाले लोग भी थोड़ा सा कम होंगे, सोचेंगे भी आपके बारे में थोड़ा सा कम। लेकिन अगर आपने बॉडीगार्ड रखे हैं तो स्थिति थोड़ी दयनीय हो जाएगी। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन आ गया, ये भी बच्चों का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस वाले क्वेश्चन को लेके, क्या सर जी ये वाला बताया करो कि ये कैसे कर पाएंगे। चलो ए 19/43 हो सकता है, आ भी सकता है। आ भी सकता, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है कि नहीं। शिशुपाल जी क्या हाल चाल है? आए सब बढ़िया है, चल रहा है सब कुछ? ए ठीक है, आया। देखो भाई करा जाए, देखो अब कैसे करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है 1 + 1/4, आपने लिख लिया। फिर क्या लिखा हुआ है 3+, फिर क्या लिखा हुआ है 2+। यही लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? अब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 × 1 = 4 और 1 5/4। इसका उल्टा करो, यहां ले आओ, 5 × 3 = 15 और 4 = 19/5। फिर इसका उल्टा करो, यहां ले आओ, 19 दूनी 38, 38 और 5 = 43/19। फिर उसका उल्टा करो, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आया कि नहीं आया भाई ये बता दो सभी लोग। मुझे लग रहा कि सबको समझ में आ गया हो, कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में। सबसे पहले ये वाला पोर्शन लिख लिया मैंने, इसके उसने 3+ कहा था तो मैंने 3+ करके जगह छोड़ दिया था कि जो आएगा उसके साथ मिला लेंगे। फिर 2+ कहा था, 2+ छोड़ के मैंने जगह लिख लिया कि जो आएगा उसके साथ मिला लेंगे। इसको जैसे सॉल्व किया इसका उल्टा करके लिखा, क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते ये 5/4 आता तो 4 ऊपर चला जाता, एक्चुअली में ये 4/5 हो जाता। तो फिर इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो, जो आए उसका उल्टा करो, वही आंसर। और आपको ये प्रश्न बहुत तगड़े से समझ में आया होगा और सभी ने इस प्रश्न को आराम से भी कर लिया होगा। कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है? तो अगले पे आ जाओ। ज्ञात करें ये वैल्यू कितनी आएगी, सभी बिना ज्ञात के नहीं बताएंगे, जल्दी से। हाँ लंकेश जी पधार चुके हैं। अरे हम लोगों ने 299 लाइक्स पे आगे, बस इस क्वेश्चन के बाद 300वां होना है। अभी शांति से बैठे रहिएगा, फिर उसके बाद 300वां लाइक करेंगे और फिर समझेंगे कि यार ये प्रश्न हम और भी ज्यादा इजी से कैसे कर पा रहे होंगे। अब ये वाला प्रश्न भी बच्चा बहुत डरता है, 24/85। रिंकू का आंसर आ गया, जिनका कभी भी गलत आंसर नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे अब सी आंसर बता रहे होंगे 24/85। ठीक है, और बहुत जल्द आएगी 24/85। देविल का भी आंसर आ गया और यहां पर सी बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। आ रहा है सी। अरे बताओ भाई, नहीं आ रहा? ईमानदारी बताओ किसका किसका आंसर नहीं आया। नो बोल दो, कोई बेमानी नहीं। आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। नहीं आया 4/85 होगा। किसका किसका नहीं आया बोल तो दो कम से कम। सर जी नहीं आया है, बताई दो भैया कैसे लगी। अब देखो 1/5 × 8 है। अगर मैं इसको 1/5 - 8 1/8 लिखूंगा तो एक्चुअली में ये कितना बन रहा है? ये बनेगा 5/8, ऊपर बचा 3 रिमाइंडर, ऊपर 3 आएगा। इसी तरीके से इसमें भी 3 का गैप है तो ऊपर 3 आएगा, इसमें भी 3 का गैप है तो ऊपर 3 आएगा। जब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं तो ऊपर 3 बच रहा है। इस 3 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, नीचे सभी में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको ऐसे आराम से लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। अब मैं इसको आराम से ऐसे लिख सकता हूं, अरे हाँ या ना, खत्म बात। जब ऊपर सभी में 3 आ रहा था तो मैंने क्या किया, 3 से इसमें डिवाइड कर लिया, जिससे ऊपर का सभी 3 कट जाएंगे, मामला क्लियर हो जाएगा। अब देखो भाई सब खत्म हो गया कि नहीं होगा? सब खत्म हो गए, बचा क्या 1/3, 1/5 -1/17। तो भैया 17 यहां आ गया, 17 - 5 वो नीचे आ गया, 17 × 85 और इधर आ गया 1/3। 17 में से 5 घटाओगे 12 और 3 चौका 12, 4/85। ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्या सबको समझ में आ रहा? तो जिन बच्चों ने सी बताया था, सी कैसे बता दिया था, इस बात को समझ पाया कि गलती कहां पर हुई थी और उस तरीके से गलती आपको नहीं करनी थी। और इसी के साथ हम आज के तीसरे शतक पे आ चुके हैं, यानी 300वां लाइक। तो फाइनली 299 लाइक हो गए हैं। अब ये देखना है कि आज का 300वां लाइक 1 सेकंड के मौन के बाद आप में से कौन सा बच्चा रखता है। समझ पाए कितना आसान प्रश्न था? और सेम इसी का बड़ा भाई भी एक क्वेश्चन आता। अच्छा, एक बच्ची कह रही है कि भैया आपने सर बताया था कि सी होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली सी बोल दिया। चलो अच्छा है, हमने आपको डी नहीं बताया था, नहीं तो आप डी भी बता देती, है कि नहीं? या फिर हमने आपको ए नहीं बताया था, नहीं तो आप ए भी बता देती। तो एक काम ये करिएगा कि परीक्षा में 100 प्रश्न आने होंगे, आप पहले से हमें फॉर्म मिला दीजिएगा कि हम आपको 1 से लेकर 100 तक के सारे ऑप्शन बता देंगे। आप वही रट के जाना और पेपर में वही लगा के चली आना, वही सारे सही हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, अगले पे आओ। ठीक, चलो इसको करो। हाँ, चला जाए 300 डन। किसके नाम पे? मुकुल के नाम पे। ठीक है भैया मुकुल जी, आइए इस क्वेश्चन पे नजर जरा घुमाइए और जरा जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर कितना आ रहा होगा। सी। सभी लोग देखो सी बता रहे हैं। जिसको सी बताना हो जल्दी से बता दो, बढ़िया मौका है यही, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्या यहां पर सबके बीच में गैप 1 है? अगर जितना गैप होगा आपको आगे उतना करना पड़ेगा। अगर 2 गैप होता तो मैं आगे 1/2 करता, 3 गैप है तो आगे मैं 1/3 करूंगा, कोई गैप नहीं तो आगे मैं 1/1 करूंगा। अब आपको पता है जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये 2, 3, 2, 3 सब कटेंगे, बचे क्या? 1/1 माइनस 1/10 बचेगा। 10 में से 9 गया तो 9/10, यानी कि सी आ रहा है। चलो ऑप्शन नंबर सी मान लेते, आज आपका मान लेते हैं कि हाँ सर सी ही आ रहा होगा और सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक। नेक्स्ट पे आओ। आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया, 12 वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको सही कर ले जाते हैं। अब आप बताइए कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये बड़ी आवश्यक वाली बात है। ठीक है, सोचो जल्दी से सोचो। उन्नीस बटे 43, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है। आप सोचोगे जिसमें नीचे 9 आएगा वही वाला सही हो सकता है, तो या तो बी होगा या तो सी होगा, डी होगा। लेकिन आप लोग भी सोचो, अपना दिमाग पहले लगा लो सभी लोग। हाँ, ये वाला हो सकता है या वो वाला हो, जो भी दिमाग आपके लग पाए। सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने यहीं पर सिंप्लीफिकेशन खत्म कर दिया होगा। हाँ ठीक है, अब जो भी 1, 2, 4 बच्चे रह गए मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा। इसकी पीडब्ल्यू टेलीग्राम पे मिली जाती है, टेलीग्राम का लिंक पिन होगा, आप वहां से ले लीजिएगा। डी ही होगा, 100% कन्फर्म है। सब लोग कह रहे हैं सर डी ही होगा, चाहे आप दुनिया कोनो ताकत लगा लो और डी के अलावा कुछ ला के दिखाओ तो जाना जाए। पक्का है? करा जाए? मतलब यह है कि 90% जनता यह कह रही है कि सर इसका आंसर डी होगा। अब और 90% गारंटीड भी बोल दिए हैं। अरे भाई साहब, आओ करते हैं। क्या ये 9/99 होगा? इसमें मैंने कोई देखो बेमानी नहीं करी, हाँ या ना? भाई 2 पॉइंट के बाद दोनों संख्याओं पे 12 लगा है, और अगर 2 संख्या है तो 0 9/99 पूरा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, हाँ या ना? अगले पे आ जाओ। क्या ये 7 + 3/9 है? यहां भी देखो मैंने कोई बेमानी नहीं करी, 9 7 63 और 3 66, तो क्या ये 66/9 लिखा हुआ है? 33 × 99 और 33 × 2 = 66। हाँ, 9 से ये 9 खत्म। अरे भैया ये तो आंसर 2/3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ, सिर्फ 10% ऐसे बच्चे थे जो इसका सही आंसर बता रहे थे, और आप कहते हो कि सर जी हमको सब आता है, कैसे काम चल पाएगा? है कि नहीं है? इसका मतलब ये क्लास तो बहुत ही जरूरी हो गया भाई साहब। इस क्लास में सारा काम समझना, सारा काम देखना बहुत मोस्ट जरूरी चीज हो गया। ठीक है। तो ऐसे ऐसे गलतियां होती हैं जिसको हम गलत करके चले आते हैं और हम सोचते हैं कि हमने सही करी है। अब एक उस वाले प्रश्न पे आते हैं जो ऐसा प्रश्न है कि जिसपे इतना तेज आंसर आएगा कि बच्चा कहेगा बस यही वाला आंसर होना। ये बहुत पूछा जाता है, चाहे एसएससी की बात करोगे, चाहे रेलवे की बात करोगे, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करोगे, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया। और सबसे पहले ऋतिक रोशन ने इसका जवाब दिया है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे सर मेरा तो वही आंसर आया था, लेकिन जब कुछ लोग का कॉन्फिडेंस देखा कि वो गारंटीड बोल दिए, कुछ लोगों ने पूरा मोहर वोहर लेकर आया तहसील से, उन्होंने पूरा स्टाम्प पेपर ऊपर लिखवा दिया कि नहीं डी ही होगा, तब हमने अपना कॉन्फिडेंस छोड़ा है कि नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे अपने बगल वाले का नकल जब आप कर रहे होंगे तो आप अगर देखेंगे यार आपका नंबर आपका जो है पहले का बी आया और उसने भी पहले का सी लगा दिया तो आप भी सी लगा देंगे, है कि नहीं है, क्योंकि बगल वाला है। हाँ चले, चलो ठीक है। आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। जब भी माइनस होगा तो मैं क्या करूंगा, 2 ऐसी संख्या का वहां पे वो सोचूंगा कि भाई 6 पंचे 30, प्लस है तो 6, माइनस है तो 5। ये लगभग सभी दुनिया के सारे बच्चों को ये बात अच्छे से पता होती है कि हम ये चीज कैसे निकाल रहे होते हैं। ठीक है, होमवर्क चाहिए ठीक ठाक वाला दे कि नॉर्मल वाला होमवर्क दे दे, जैसा बताओ। एक और क्वेश्चन इस पे कर लो। अगर ये ऐसे लिखा होता रूट 7 और ये इनफाइनाइट तक जाता, फिर ठीक ठाक वाला होमवर्क चाहिए। एक आध दिन लगे इसको लगाने में। अगर रूट 7 और ये चीज इनफाइनाइट तक जाता तो इसका आंसर कितना आता? तो सिर्फ 7 आ जाता। कोई भी रूट लिखाओ उसका अगर वो इनफाइनाइट तक जा रहा होगा और कोई प्लस या माइनस बीच में नहीं लगा तो वही चीज आने वाला है। अच्छा, आप जो इमोजीज पे क्लिक करते हैं वो भी यहाँ दिखता है कि भाई इमोजीज क्या है क्या नहीं। एक ऐसा प्रश्न रहा जिसने बच्चों को बड़ा परेशान किया, भर भर के परेशान किया। लेटेस्ट क्वेश्चन है, यही आपका होमवर्क है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों, सगे संबंधियों, भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट के अंदर ये बताइएगा इस वीडियो के बाद कि भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है और आज का ये वाला क्वेश्चन का आंसर के बाद क्लास आज आपको कैसी लगी। ये इस वीडियो के तुरंत बाद कमेंट करके बताइएगा। और 10 बजे आप सभी के लिए अभिषेक सर की क्लास आ ही रही है, साइंस की एक जबरदस्त क्लास होगी 10 बजे। और आपको पता है कि एमडी क्लासेस में 15 लाख का जो परिवार है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और सिर्फ यही बड़ी खुशखबरी नहीं है, दूसरी बड़ी खुशखबरी ये भी है कि जो हम यूपी के लिए एक नया चैनल हमने बनाया था कि यूपी की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए एक कंप्लीट चैनल जहां पर उसकी तैयारी होगी, वहां पर भी 1 लाख बच्चों का परिवार यानी कि पहला माइलस्टोन जो है कंप्लीट हुआ। और जब भी पहला माइलस्टोन कंप्लीट होता तो अपने आप में बहुत खास होता है। तो जब यहाँ 15 लाख हुए, वहां 1 लाख हुए, तो कुछ सरप्राइज तो बनता है। और ऐसा सरप्राइज होगा जो आज तक शायद किसी एजुकेशनल चैनल पर नहीं हुआ होगा और मुझे नहीं लगता कि शायद ही हुआ होगा। तो अब ये सरप्राइज आपके पास जब भी आएगा, आज या कल में आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि क्या है सरप्राइज, कैसे हम इस सरप्राइज को ला रहे होंगे। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी और बहुत मजेदार वाली मिलेंगी। चलिए मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रात में 10 बजे जरूर आइएगा। दिन में 12 बजे विशाल सर की सीजन की क्लासेस स्टार्ट हो रही है और अभी 10 बजे आपके पास क्लासेस शुरू हो, तो सभी लोग आ जाइए और सभी के साथ शेयर भी कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।